subscribe this channel and press the bell icon. प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे कहते हैं उत्तर सेंसर। दो, नियंत्रण टार्क विक्षेपक टार्क का करता है उत्तर विरोध। तीन, मूविंग आयरन यंत्र में स्थिर रहता है उत्तर कॉयल। चार, निम्न में किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है उत्तर मूविंग कॉयल यंत्र की। पाँच, CRO का विस्तृत रूप है उत्तर कैथोड राय ऑसिलोस्कोप। छः, आवृत्ति मीटर के द्वारा मापी जाती है उत्तर केवल AC की आवृत्ति। सात, स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है उत्तर AD करंट अवमंदन। आठ, एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि उत्तर उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो। नौ, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल है उत्तर विक्षेपक घुमाव बल और नियंत्रक घुमाव बल डैम्पिंग घुमाव बल। 10, यदि चल कुंडली धारा मापी को DC परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अतः बदल दिया जाए तो यंत्र उत्तर विपरीत दिशा में विशेष दर्शाएगा। 11, स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है उत्तर भंवर धारा अवमंदन। 13, आवृत्ति मीटर द्वारा मापी जाती है उत्तर AC की आवृत्ति। 14, एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि उत्तर उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो। 15, स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित टॉर्क उत्तर समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता है। 16, यदि चल कुंडली धारा मापी को DC परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंत बदल दिया जाए तो यंत्र उत्तर गलत पाठ्यांक दर्शाएगा। 17, स्प्रिंग नियंत्रित मीटर होता है उत्तर सुग्राही। 18, विद्युत शक्ति को मापने वाला मीटर कहलाता है उत्तर वाट मीटर। 19, परिपथ का विभवांतर मापने वाला मीटर कहलाता है उत्तर वोल्ट मीटर। 20, विद्युतीय परिपथ की धारा माप। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।